Vedic Realty seeks to change the lifestyles of millions across India by deriving lifestyles from ancient wisdom. Cobra Post reporter sets out to understand the wisdom and engages in a long discussion with the AGM marketing and sales. At the start of the conversation, Suman Banerjee declares that they do all their transactions in white. A little more than a minute into the conversation, his strength of conviction is compromised. Listen in. यानी 50 का कैश मिलेगा 75.55 आपका यूनिट का वैल्यू रहेगा ये यूनिट हम लोग आपको फुल्ली फर्निश देते हैं 40% 60% ये यूनिट हम लोग आपको फुल्ली फर्निश देते हैं लेकिन जब आपको ये यूनिट देंगे जब हम लोग एग्रीमेंट करेंगे 75.55 75.55 का आपका हम लोग वो अनफर्निश दिखाएंगे एग्रीमेंट तो अनफर्निश भी करेगा आपको मिलेगा फर्निश अगर आपके साथ मेरे को लेटर एक्सचेंज करना हो तो वो लेटर मैं आपको एक्सचेंज कर दूंगा बट इन एग्रीमेंट आई विल नॉट बी एबल टू शो इट क्योंकि 75.55 में मैं फर्निश्ड यूनिट जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा तो फिर कैसे मतलब कैसे मतलब इन चीजों में प्रॉब्लम आई तो हमको आपको क्या जो मैं आपको घर दे रहा हूँ घर का साइज शेप बाकी सब तो सेम है दैट इज ओके मैं समझ रहा हूँ हमारे एग्रीमेंट में आपका ये भी मेंशन रहता है कि दिस यूनिट इज अ फर्निश्ड यूनिट और फर्निश्ड स्पेसिफिकेशन रहता है मैं आपको क्या क्या देता हूँ एसी टीवी फ्रिज वगैरह वगैरह लेकिन ये 75.55 नहीं दिखा सकता उसको मैं अनफर्निश्ड दिखाऊंगा मैं समझ रहा हूँ लेकिन फर्नीचर तो आपको नहीं है कल मैं बोलूँ फर्नीचर आपको नहीं दूँ दोस्तों एग्रीमेंट में मैं वो पूछ रहा हूँ उसमें क्या करेंगे वो भी एक्सचेंज अ सेपरेट लेटर जिसमें आपको मैं दूंगा कि आपका ये जो यूनिट है ये फर्निश यूनिट है एंड दिस आर द फर्निशर्स व्हिच यू विल प्रोवाइड मतलब वो आप बाद में उसको शो कर सकते हो अगर मैं आपको नहीं दिया तो अगर दे दिया तो उसका कोई मतलब नहीं रहता पर एग्रीमेंट में नहीं कर सकते एग्रीमेंट में डालने से ये वैल्यू नहीं आ पाएगा तो फिर आपको मुझे 125.55 देना पड़ेगा एंड आई एम हैपी विद दैट ऑल्सो अगर आप मेरे को पूरा चेक में दो नहीं नहीं वो तो हो नहीं सकता अगर वो होता तो फिर मैं आपके साथ नहीं बैठा होता इनसे बोलता कि भैया चलो ठीक है लीजिए केलो बुकिंग फॉर्म और काम कर लो 50,000 रुपये मिले पाऊंगा It really is not that difficult to trade in black money when there are such entrepreneurs such as Banerjee running the industry. A flat worth 125.55 lakh rupees can be shown as having sold for 75.55 lakh rupees in records by showing that it is an unfurnished unit. The remaining 50 lakh rupees per flat can easily be accommodated in cash. Further, a separate agreement can be drawn out between the buyer and the seller for the furniture, and that arrangement will be kept confidential. It does not have to come out at all unless there is a dispute, which of course both parties shall ensure that there isn't any. And the thriller does not stop here. How is the black money going to be collected? There is never a dull moment in this conversation. पेमेंट आप कर रहे या फिर मिल रही है डेली से उठा लीजिए हाँ या फिर बाहर से भी हो सकता है आपको कहाँ से सुविधा पाकिस्तान अफगानिस्तान बलूचिस्तान तुर्कमेनिस्तान यमन यहाँ से मोटा पाएंगे यहाँ से मैं भी नहीं पहुंचा यहाँ हम लोग तो कहीं से ही बोलो बाहर मतलब ऐसा कोई जगह मत बोलना हम लोग एक काम कर सकते हैं हम लोग आपको दो काम है एक तो मैं आपको मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ दुबई यूके यूएस मलेशिया सिंगापुर आप बताएं आप नहीं तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ मैं आपको अकाउंट नंबर दे दूंगा ठीक है बैंक नंबर दे दूंगा अकाउंट नंबर दे दूंगा विद आपका विद हाँ उसमें आप जमा करा दीजिएगा हम आपको कंफर्म कर देंगे किसमें प्रॉब्लम नहीं होगी वो हम लोग को इंटरनेट बैंक मैनेज होता है उसे कैसे तो बाहर ही कहीं जमा होगा ना इंडिया में नहीं होगा ना जमा आपको इंडिया में कराना पड़ेगा बाहर से नहीं उठा सकते बाहर में अपना अपना मशीन नहीं है तो फिर यहाँ अकाउंट में हम जमा करवा देते हैं आप यहाँ अकाउंट में जमा करवा दीजिए आप मैं आपको अकाउंट डिटेल दे दूंगा आप उस अकाउंट में जमा कराइए आरटीजीएस करिए जो भी कराना है करा दीजिए कोई इशू नहीं है हमारे पास तो लिक्विड है नहीं मैं लिक्विड का ही बोल रहा हूँ मैं जो आपको अकाउंट दूंगा उसमें लिक्विड ही जमा कराइएगा अच्छा तो अकाउंट लिक्विड जमा जाएगा अकाउंट में जाएगा वाइट हो जाएगा नहीं होगा वाइट जैसे वो अकाउंट में जाएगा हम वो कंफर्म कर देंगे मिल गया उसके बाद अकाउंट ही बंद हो जाएगा अच्छा
ऐसा ही होता है। तो आपके पास ये है कि आपने जो कच्चा जमा दिया उसके पास आपके पास वो ये रहेगा ना कि मैंने इतना जमा दिया। यू ऑल्सो हैव अ थिंग कि भैया मैंने इतना जमा करा है, जैसे ही मैं कन्फर्म करूँ उसको फाड़ के फेंक दीजिए। ठीक है, बेटर है। और अगर आप बोलो बॉम्बे या दिल्ली या कहीं से भी उठवाना है, मतलब फिजिकली उठवाना, तो वो भी कर सकते हैं। नहीं, दिल्ली बेटर रहेगा हमारे लिए, अगर मुंबई से बाहर नहीं आप उठाते हैं तो। दिल्ली दिल्ली से उठवा लेंगे आपका, वो हमारा वहाँ पे आदमी है, वो आपको बता दें। वो तो ठीक है, बहुत बड़े साथी भी बैठे हैं साथ में, तो इसमें क्या दिक्कत है? आपको उसका चिंता नहीं है, आप पहले फॉर्म दें, चेक दें, जो उसके बाद क्या ट्रांजैक्शन करना चाहिए अपना, जो भी है ऐसा होगा ना, जैसे हम बुकिंग अमाउंट जो भी आ रहा है बुकिंग अमाउंट के साथ आपका लिक्विड भी आ जाएगा। बता दें बुकिंग अमाउंट दें, फॉर्म सारे भरे, आप देखो फर्स्ट बुकिंग अमाउंट दे रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, देना यू नो की कौन सा यूनिट आपको दे रहे हो, डेफिनेट अलॉट है। फिर आप मेरे को बोल रहे हो कि कैश लेना है, तो ये 50 कैश है मैं उठा लूंगा, एंड देन विल गिव यू द एग्रीमेंट बनन गया, मेरे को इशू नहीं है। ठीक है, बढ़िया है। ओपन अकाउंट्स, फॉरेन ब्लैक मनी, क्लोज अकाउंट्स, that is how easy it is to use legitimate institutions to serve illegitimate means. Banerjee says, jaise wo account mein jayega hame wo confirm kar denge mil gaya, uske baad account hi band ho jayega. jaise wo account mein jayega hame confirm kar denge mil gaya, uske baad account hi band ho jayega. And all that is not some fictitious stories rattled out in low level dealing with managers and general managers. These managers have a clear mandate from the managing director of Vedic Realty. The reporter meets the managing director R.K. Modi to confirm the strategy. तो सर डाउन पेमेंट है, मुझे बात हो गई मेरी सारी चीजें, तो उन्होंने बोला 40% तक वो मतलब कैश एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हो जाएगा ना सर? हाँ, 50 लाख ही नहीं बोला तो 40% अप्रॉक्स हो रहा है उनके हिसाब से, बिकॉज फिक्स थी बायोमेट्रिक के लिए, बिकॉज इसमें क्या है कि आपने क्या है कि थोड़ा सा वो इनकम टैक्स में होगा, हो गया चक्कर आपके लिए, लॉजिकल आपके लिए नहीं। मैंने इसलिए उनको बोला था कि सर इतना आप करो कि उसमें हम प्रॉब्लम बना है, बात वही है ना कि उनको भी करना पड़ेगा, वैसे ही आपको भी उसमें कोई दिक्कत नहीं। It is with striking audacity with which real estate agents such as R.K. Modi offer to subvert all laws of the land. Banks and bank accounts are but mere tools for them to funnel black money into their coffers. Incidentally, in the year 2009, R.K. Modi was remanded to 2 days in police custody by a West Bengal court. Modi was arrested in connection with the recovery of arms within the compounds of Vedic Village, a luxurious resort owned by Vedic Realty, and allegations that the management was in league with the local mafia engaged in land grabbing.